नोट से बड़ी खबर आपको पता है। दरअसल पूरा मामला थाना बड़ापुर क्षेत्र का है, जहां पर देर रात उस वक्त जब बड़ापुर थाने की पुलिस दो गाड़ियों में सवार होकर एक प्राइवेट और एक सरकारी गाड़ी से देर रात दबिश देने के लिए जा रही थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही गाड़ी इस्लामाबाद के पास पहुंची तो प्राइवेट गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिससे हादसे में गाड़ी में सवार 5 पुलिसकर्मियों घायल हो गए हैं, जिसमें सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पुलिसकर्मियों को गाड़ी से निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने इलाज के लिए सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना की खबर लगते ही जिले के SP नरेश कुमार जादौन, SP ग्रामीण रामर्ज जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पुलिसकर्मियों का हालचाल जानकर डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि SP ग्रामीण का कहना है कि देर रात बड़ापुर थाने की पुलिस दबिश देने के लिए जा रही थी, तभी एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी, जिसमें हादसे में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को सीधे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। सुधीर को फ्रैक्चर हुआ है, सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कैसे, क्या मामला है? ये कहीं बड़ापुर साइड में जा रहे थे तो उनकी गाड़ी पलट गई है, तो 5 लोग घायल हो गए। इसमें से यहाँ से 2 लोगों को रेफर कर दिया है, 5ों भर्ती थे लेकिन 2 रेफर कर दिए और 3 अभी भर्ती है। हाँ, 2 लोगों के फ्रैक्चर आए हैं, एक के कूल्हे में एक के हाथ में, वही रेफर हुआ है। अब कैसी हालत है फिलहाल? बाकी जो यहाँ है वो तो ठीक है, जो रेफर है वो तो घर चले गए, वो बाहर चले गए। अच्छा,